हेलो दोस्तों, आप इस तरीके के बहुत से पाउसेस का इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि ये टोमेटो केचप का है और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट का है और ये मेयोनीज का है। तो दोस्तों, इस तरीके के पैकेट हमारे घरों में आते ही रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे आइटम्स बनते ही रहते हैं हमारे घरों में। और ये सॉस वगैरह तो सभी लोग खाते हैं, अगर बड़ा पैकेट नहीं होता तो एक एक रुपए वाले पाउच में, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। हमको मेन ज़रूरत है इस तरीके के पैकेट, यानी कि कोई भी पैकेट आप ले सकते हो। तो अभी इसमें थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट इसमें अभी बचा हुआ है, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस मैं ये इसलिए दिखा रही थी कि हम इनमें से किसी भी पैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर होता क्या है कि हमने इस्तेमाल किया और खाली हुआ पैकेट तो हम लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन अभी इसे फेंकना नहीं है भूल करके भी। और इसका हमें बहुत ही मतलब बहुत ही यूजफुल सा एक वो करना है, इसका प्रयोग करना है, ताकि जो मेडिकल वगैरह से लाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं तो उनको हम बचा सकें और हमारा काम भी चल सके। तो हमें या तो इस तरीके का बड़ा पैकेट चाहिए होगा, या इस तरीके के पैकेट से भी हमारा काम चल सकता है। तो अभी इसमें भी सॉस है और इसमें भी पेस्ट है, तो मैं इनको अलग कर देती हूँ। लेकिन ये जो मेयोनीज वाला पाउच है तो ये खाली हो चुका है, तो इसको तो सबसे पहले मुझे धुलना है, तो मैं इसको गुनगुने पानी से इसको धुल लेती हूँ। देख रहे हैं आप लोग, इसमें अभी लगा हुआ है, लेकिन ये पैकेट खाली हो चुका है, तो इसको फटाफट से धुल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप सभी को कि इसका हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इसको धुल लिया है, ये देखिए आप, इसको मैं धुल लाई हूँ और ये पैकेट अब पूरे तरीके से जो है खाली हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि मैं ये कटोरा इसलिए रख रही हूँ ताकि ये पानी इस कपड़े पर ना फैले, और अब मुझे इस पानी को इसमें भर देना है, पूरा भर देना है यहाँ तक। तो अभी कोई दिखाने के लिए नहीं है, सूप मैं कर रही हूँ, तो मैं इस पानी को इसमें डाल देती हूँ, आपको बता रही हूँ, इस पानी को इसमें डाल देती हूँ, इस पैकेट को चलो भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पैकेट में ये पानी भर लिया है, ये आप देख पा रहे हैं, मैंने पानी भर लिया है और ये तभी इस तरीके से खड़ा भी हो गया है, पता है, नहीं तो फिर ये खाली था तो इस तरीके से नहीं रुकने वाला था। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने पानी भर लिया है और अब हम इसको कर लेंगे बंद। और इसमें काफ़ी पानी आ गया है, आप ये देखिए, लगभग इतना इसमें पानी बचा है और काफ़ी पानी इसमें आ गया है। तो ये अब पाउच इस तरीके से, ये देखिए आप, खुल चुका है इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हमें रखना है अपने फ्रिज के फ्रीजर में, और इसको हमेशा ही आप रहने देना अपने फ्रिज के फ्रीजर में, एक साइड में ये पड़ा रहेगा। दोस्तों, घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हम ही लोगों को कभी काम करते करते अचानक से चोट लग जाती है, तो फिर हमें सेक की ज़रूरत पड़ती है, बर्फ़ के सेक की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जब हम एक साइड में पड़ा रहने देते हैं फ्रीजर में, तो इसमें कंटिन्यू बर्फ़ जमा रहती है, और इसको हम तुरंत निकाल करके, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत निकाल करके हम इसे सिकाई कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमारे चोट लगी हुई होगी। तो एक बहुत ही फ्री का हमारा शिकाई करने वाला, एक बहुत ही अच्छा सा एक मेडिकल वाला हमारे लिए तैयार है। तो आई होप कि आप सभी को ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एकदम फ्री का है ये, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं, वैसे भी इसको हम इस्तेमाल करने के बाद में फेंक ही देते हैं दोस्तों। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमने लिए हैं ये दो धूप के पैकेट, यानी कि दो घर पे थे तो मैं वही उठा के ले आई हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। दोस्तों, घर में हम लोग जब पूजा करते हैं तो हम लोग घी का दीपक जैसे जलाते हैं, और जब पूजा के समय दीपक जलता है, किसी भी तरह का, आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, तो बहुत ही मन को सुकून मिलता है, इसके साथ ही बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी भी हम सभी को मिलती है दोस्तों। तो बांस वाली डंडी का जो भी अगरबत्ती होती है वो हमें नहीं यूज करना चाहिए, हमारे वेदों में भी लिखा है बांस को नहीं जलाना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये धूप जो है ये बगैर डंडी की होती है, तो इसको हम लोग घर पे जला सकते हैं, और ये कई एक फ्लेवर में आती है, इसकी सुगंध से मन बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो जाता है। ये देखिए आप, इसके सारे फ्लेवर यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन हम इस संबंध में कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। मेन जो पॉइंट है वो है हमारा इस तरीके से अगरबत्ती को लेकर के, तो कोई कोई जो धूप आती है वो तो इस तरीके से बनी हुई धूप आती है कि इस तरीके से इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, बस निकाला और हमने इसको जला दिया। और दोस्तों, दूसरी धूप होती है हमारी इस तरीके की, अभी ये पैकेट खुला नहीं है, दूसरी धूप हमारी इस तरीके की होती है, इसको फटाफट से खोलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके की धूप निकलती है। तो हमें करना क्या है कि इस धूप को जब हम, जैसे सुबह जल्दी जल्दी होता है, खाना बनाना होता है हमें, या अगर हम वर्किंग हैं या घर के जेंट्स हैं वो लोग भी पूजा करते हैं, और तो फिर जब वो नहा धो के आते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो फिर उस समय इस वाली अगरबत्ती से थोड़ा सा टाइम का वो हो जाता है। तो उसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है कि हमें एक साथ ही इस तरीके से बना करके जलाने के लिए, जैसे ये बनी हुई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आइए निकालिए, आप पूजा करिए। लेकिन इस तरीके से जब होती है
तो इसको हमें बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होती है। आप 15 से 20 दिन के लिए इस तरीके से धूप को बना करके आप रख सकते हैं, जिससे कि आप जब भी पूजा करने चाहें तो बस फटाक से आप निकालें और पूजा कर लें। तो अधिकतर हम लोग इसी तरीके से करते हैं, धूपबत्ती को बना के रख देते हैं इसको, और अगर हम लोग रुई वाली बत्ती जला रहे हैं तो उसको भी पहले से ही बना के तैयार रखते हैं घी में डुबो करके, ताकि हम फटाफट से नहाएं धोएं और पूजा करें, ताकि हमारे किसी भी काम के लिए विलंब ना हो सके। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी ऐसा करिएगा, आप देखेंगे कि आपका बहुत ही समय बचत होने वाला है। दोस्तों, सर्दियां तो चली गई लेकिन सॉक्स सभी भी रखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से घिस गए, पुराने से होके रखे हुए हैं, इस तरीके से रोएं तो अधिकतर ही आ जाते हैं वूलन में, और लेकिन ये ऐसे ही रखे रहते हैं, हो सकता है कभी कभार घर वगैरह में इस्तेमाल हो जाए, और नहीं तो फिर ये ऐसे ही जरा सा इसे डस्टिंग वगैरह करके फेंक जाते हैं। दोस्तों, तो सर्दियां तो जाने कब की चली गई, लेकिन इनको तो पहनने का तो छोड़िए, देखने का भी वूलन वाली चीज़ अब मन नहीं करता, इतना हार्ड गर्मी पड़ रही है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो दोस्तों, लेकिन आज हम इन सॉक्स को पहनने वाले हैं। अब आप सोचेंगे इतनी गर्मी में वूलन के सॉक्स कौन पहनेगा, तो बात वूलन की या नॉर्मल सॉक्स की नहीं है, आप कोई भी सॉक्स ले सकते हैं। तो मैं इन सॉक्स को अलग कर देती हूँ, सिर्फ मैं एक सॉक्स रखूँगी इस तरीके से, और इसको हम पहनेंगे पैर में नहीं, हाथों में। जी हाँ, हाथों में पहनेंगे, और हाथों में पहनने के बाद हमें क्या करना है चलिए वो फटाफट से देखते हैं। तो पहले पहन लेते हैं, पहनने के बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से सॉक्स को अपने हाथों में इस तरीके से मैंने पहन लिया है, और अब हमें क्या करना है चलिए अभी तो देखते हैं कि हमें सॉक्स को पहनने के बाद में करना क्या है। तो चलिए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब हमारे घर का फटाफट से काम होगा। आप ये देखिए, इस तरीके से दरवाजे की जो बॉर्डर बनी हुई है इसमें इस तरीके से डस्टिंग है, काफी इसमें धूल है, तो अब हमें अलग से झाड़ने पोंछने की जरूरत नहीं है। हमें बस क्या करना है, इस तरीके से सॉक्स हाथ में पहनना है, और आप देखिए बहुत ही आसानी के साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसकी डस्टिंग, इस तरीके से इसकी डस्टिंग कर पाएंगे, और आपका दरवाजा या जहां भी आपको सफाई करना है तो पूरे तरीके से चमकने लगेगा इस तरीके से, और बहुत ही जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अगर हम इसको किसी कपड़े से झाड़ते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा धूल होती है, और तो ये देखिए मैंने इसलिए इसको छोड़ा हुआ था, और देखिए अभी सॉक्स ये बहुत ज्यादा गंदा नहीं हुआ है। इसी तरीके से जैसे ये कूलर के ऊपर है, तो इसी तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी के साथ में इस तरीके से इसकी हम डस्टिंग कर सकते हैं, अपने टेबल की और कूलर वगैरह की, दरवाजे की, बेड की, यानी कि हमें अलग से किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं है, और हमारा काम इतनी आसानी के साथ में फटाफट से हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरा काम कब खत्म कर लिया है। और ये देखिए बड़ी ही आसानी के साथ में, जैसे ये कट वगैरह है, बीच में डिजाइन है, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये इस तरीके से क्लीन हुआ है, ये देखिए आप, तो बहुत ही आसानी के साथ में ये पूरी डस्टिंग हो जाएगी, और ये देखिए इतना डस्ट इसमें इस तरीके से ये निकल रहा है। आप चाहें तो इस सॉक्स को फेंक सकते हैं, या आप चाहें तो इसको धूल करके इसका दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तो आप सभी को ये टिप्स कैसे लगे हैं, ऐसे टिप्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।